बिस्मिल्ल रनिमैक्म मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया टाउन लाहौर में और अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी जो स्टॉक की वीडियो थी उसमें हमने एक ऐलान किया था कि जबरदस्त किस्म का बाइक जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है वो हम उसका मुकम्मल रिव्यू लेके आएंगे अभी आप शॉर्ट्स तो देख ही चुके हैं इसके हम मिलते हैं द ऑनर ऑफ फोर्स मोटर स्पोर्ट्स उस्मान भाई से असला कैसे हैं शुक्र आपसे अलहमद ला ठीक ठाक उस्मान भाई हमने जब स्टॉक की वीडियो बना रहे थे तब भी बताया था कि एक जबरदस्त किस्म का बाइक आने वाला है जो हमारे सामने है इस वक्त लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कौन सा मोटरसाइकिल है ये मुंबई बेसिकली बी का रेप्लिका है ठीक है ठीक है।, है।, और अगर इसकी प्राइस की बात कर लीजिए तो तेरह लाख पचास हजार इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है, है। कम्प्लीट इसका टी एफ टी मीटर है और आप इसके मिरर देख सकते हैं किसी भी बाइक के ऐसे साइड मिरर्स नहीं है जो इसके हैं आप देख भी रहे हैं हाँ ये गाड़ियों वाला स्टाइल है न जी इसका एडजस्टेबल है ये जी और इसमें कलर्स की बात कर लीजिए तो चार कलर इसमें हमारे पास अवेलेबल है जैसे व्हाइट है ब्लैक है ब्लैक गोल्डन है ब्लैक ग्रीन है और ये वाइट है और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में अनाउंस किया कि जो भी कस्टमर हमारे से फोर हंड्रेड सी बाइक परचेज करता है उसको हम सेवेंटी सी सी बाइक फ्री देंगे ब्रांड न्यू बाइक जी ब्रांड न्यू जीरो मीटर वेरी नाइस यानी कि एक टिकट में दो दो जी बिल्कुल उनके अच्छा प्राइस इसकी क्या तेरह लाख पचास इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है तेरह लाख पचास हजार प्राइस है इसकी और आ, 70 के साथ सी सी बिल्कुल ये ऑफर तमाम जो, जो से भी हमारे से फोर सी सी परचेज करते हैं चाहे वो आर वन है डुकाटी है निंजा है, है।, है कोई भी बाइक 400 सी सी बाइक परचेज करते हैं उससे हम सेवेंटी सी सी बाइक चाइनीज ब्रांड की हम वो फ्री देंगे अच्छा यहाँ मैं आपको बताता चलूँ ये कोई कुराना नहीं होने वाली राइट right जो भी खरीदेगा उसे एक, दे हम साथ के साथ, वो एक लेने आएगा, तो दो मोटरसाइकिल लेके जाएगा कोई इंतजार नहीं है कोई को नहीं है कुछ भी नहीं है डायरेक्ट आपको राइट right देन और ऐसी ऑफर आपको बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन फोर्स मोटर स्पोर्ट्स आपको फोर्स कर रहा है कि आप आओ और ले के जाओ एक मोटरसाइकिल के बदले दो दो मोटरसाइकिल और दोनों प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल हैं अगर इस मोटरसाइकिल को हम देखते हैं तो ए बी एस ब्रेक्स के साथ ऑल दो ये सिंगल चैनल ए बी एस ए बट स्टिल ए बी एस ब्रेक के साथ आ रहा है ये मोटरसाइकिल डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है अब मैं इसको स्टार्ट भी करके देख लेता हूँ नो डाउट शेप वाइज इट इज अ फैंटेस्टिक मोटरसाइकिल अब साउंड कैसा करता है ये भी देख लेते हैं एस सी प्रोजेक्ट इसके अंदर शॉर्ट एस सी प्रोजेक्ट लगा हुआ है ही बंदी भी आवाज है इसकी अभी सुनना जरा तो पटाखा भी मारा है इसने जबरदस्त किस्म का अच्छा वो चीजें इसमें गी भी थी वो जल रही है ज्यादा आप समझे धुआं मार रहा है ये वो वाला धुआं नहीं है सो so, अब बात करते हैं जी इसकी अभी मेरी थोड़ी देर पहले उस्मान भाई से बात हुई थी और उस्मान भाई मुझे ये बताइएगा कि पार्ट्स का कैसी न क्योंकि ये आपके पास पहला मोटरसाइकिल जी बिल्कुल पाकिस्तान में तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या क्या है आपको कोई भी पार्ट्स चाहिए चाहे वो बॉडी पार्ट्स है या इंजन पार्ट्स है कोई भी पार्ट्स चाहिए हमारे पास अवेलेबल है जैसे जो स्टॉक की वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको चेक भी करवाया कि हमारे पास सारा पार्ट्स अवेलेबल है या आप पीछे देख भी सकते हैं सारे ये पार्ट्स ही पड़े हुए हैं उसके बाद वो सामने देखे हमारे पास पार्ट्स पड़े हुए किसी भी बाइक का चाहिए आपको और नीचे उसमें भी पड़े हुए हैं जी बिल्कुल और इसमें आपको बॉडी पार्ट चाहिए फेरिंग चाहिए मीटर चाहिए साइड मीटर ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास अवेलेबल है चाहे वो बॉडी पार्ट्स है या इंजन पार्ट्स है हर बाइक का

और ये बात जहन में रहे कि ये शोरूम क्लेम नहीं कर रहा है ये कंपनी क्लेम कर रही है कि इतने हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है ये अच्छा टॉप स्पीड हम क्या एक्सपेक्ट करें टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो ये 150 प्लस जाती है लेकिन आ, डिपेंड करता है कि इसको चला कौन रहा है हाँ मतलब मेरे जैसा राइडर चला रहा होगा तो ये कभी भी वन भी नहीं करेगा वन ट्वेंटी पर ही <laughs> बस हो जाती है मेरी सो अगेन कैपेबल मशीन है कैपेबल इंजन है चलाने वाला हो तो उसे 150 प्लस लेके जा सकता है इजीली वरना यह है कि 120, 30 मतलब ये ऐसा बाइक है कि जो रोड पे नजर आने वाली किसी भी बाइक को धूल चटा सकता है आराम से वैसे ये नॉट रिकमेंडेड है हम कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि 120 से ऊपर जाए ऑलवेज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स जो लिमिट मुख्त की गई है रोड uh, अथॉरिटीज़ की जानव से प्लीज़ फॉलो दैट कैपेबिलिटी की बात करें तो यस इट इज़ कैपेबल कि आपको 150 प्लस ये आराम से लेके जा सकता है माइलेज क्या है जी आ, ये आ, जो फोर हंड्रेड सी सी वाटर कूल है ये 15 टू 20 पर लीटर करती है इजिली ठीक है अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई चीज़ है तो कैसे हम ट्रस्ट करें इस पर कोई वारंटी वगैरह है वारंटी हम इसमें कस्टमर को थ्री मंथ्स इंजन वारंटी दे रहे हैं कोई है। भी इंजन में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को उसमें देंगे ठीक है आ, वो आपके पास सर्विस सेंटर आपको दिखाया भी है, हमने पास है हम उसको रिकमेंड कर देते हैं कि आप इनके पास चले जाएं अगर वो नहीं आ सकते तो पास आए तो हम उनको यहाँ पे सर्विस देंगे हम रिकमेंड भी कर दें आप इनसे करवा लें ठीक है अच्छा एक चीज इसमें अच्छी है और वही चीज बुरी भी है इसमें हमें जी ठीक है ई एफ आई नहीं मिल रहा इसमें जो नेक्स्टमेंट आ रही है ई उसमें आई आ रहा है अच्छा

कुछ एरर्स तो कंप्यूटर लगाते ही रेक्टिफाई हो जाते हैं लेकिन कार्बोरेटर का ये है कि पूरा खोलना पड़ता है लेकिन फिर दूसरी बात ये है कि आसान भी है और हर कोई कर सकता है तो प्रोस एंड कॉन्स हर मशीन के डेफिनेटली हर टेक्नोलॉजी uh, के होते ही हैं उस्मान भाई आप कलर्स का ऑलरेडी बता तो चुके हैं लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है क्योंकि ये रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में बहुत प्यारा लग रहा है कितने कॉम्बिनेशन अभी हमारे पास इसमें फोर कलर हमारे पास अवेलेबल है ठीक है जिसमें ब्लैक ग्रीन है ब्लैक गोल्डन okay. है ब्लैक रेड है एंड वाइट एंड रेड है ठीक हो गया उस्मान भाई थैंक यू सो वेरी मच मैं बाकी डिटेल बता देता हूँ प्राइस साढ़े तेरह लाख थैंक यू सो वेरी मच आइए गाइस हम थोड़ा सा बाइक पे नजर डालते हैं टी एफ टी डिस्प्ले इसमें आपको मिल रहा है सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड की जा रही है और कंप्लीट uh, स्पीडोमीटर है ये यहाँ पे आपको हजर लाइट का बटन यहीं पे दे दिया गया है ठीक है इसका हैंडल बार परफेक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट ऑइल रेजर वायर मिल रहा है फ्रंट डिस्क ब्रेक के लिए पास हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर एक अदर पी पी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये बटन किल स्विच लाइट ऑन एंड ऑफ और सेल्फ स्टार्टर ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं एडजस्टेबल आपको क्लच मिलता है एडजस्टेबल फोर स्टेज एडजस्टेबल आपको फ्रंट ब्रेक मिल जाती है इंजन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं माइटी पावरफुल इंजन है इसका सिक्स स्पीड रिटर्न शिफ्ट गेयर बॉक्स के साथ आ रहा है पीछे एक सौ पचास का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है और सिंगल आपको चेन गार्ड मिल रहा है जो इसके ऊपर ही टॉप पे बॉटम में आजकल बिल्कुल भी नहीं आते इंटरनेशनल वेरिएंट्स में भी बैक टायर पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर सिंगल डिस्क ब्रेक मिल रही है जो कि मोर देन एन पावर प्रोड्यूस करती है बाइक को रोकने के लिए पावर तो नहीं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है फिर इसके अंदर प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक आपको देखने को मिल रहा है और ये भी एडजस्टेबल है आप अपने वजन के हिसाब से और जिस जगह आप चला रहे हैं जिस रोड पे चला रहे हैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश में इसका मड गार्ड यहाँ पर मिल रहा है ठीक है ये आपको नज़र आ रहा है ताकि स्प्लैश वगैरह इंजन के ऊपर ना जा सकें वैसे यहाँ पे ये वाला अगर मड गार्ड इसके ऊपर होता ना तो ये और ज़्यादा प्यारा लगना था पूरा टायर कवर कर देता यहाँ से ये खाली खाली लग रहा है लेकिन ये अलग ही लुक दे रहा है मतलब इस लुक में अगर आपको पसंद है तब भी बेस्ट है लेकिन अगर मैं होता तो मैं वो वाला लगा लेता अब ये ब्रेक लाइट्स आप चेक कर सकते हैं इंतहाई खूबसूरत और डिज़ाइन भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बना रखा है डिफरेंट स्टाइल में ये अटेंशन टू तो डिटेल होती है कि, कि कस्टमर को किस तरह सेटिसफाई करना है उसी चीज़ के साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एल में इन्होंने ब्रेक लैंप्स लगा के दे दिए अब आगे आते हैं तो फ्रंट टायर वही एक सौ दस का ट्यूबलेस टायर फ्रंट पे हमें मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आए यहाँ पर आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ जो कि दीगर बाइक्स में यहाँ पे काफ़ी सारे बाइक्स खड़े हैं वहाँ पे आपको नज़र नहीं आती ये फ्रंट डिस्क गार्ड भी इसके अंदर लगाया गया है और ए बी एस मेटेरियल से बना हुआ ये ठीक है तो फ्रंट डिस्क को भी कवर कर रहा है यहाँ पे कैलिपर के ऊपर भी कवर लगा रखा है इन्होंने तो बड़ा कंसील्ड किस्म का इन्होंने सिस्टम किया हुआ और सोफिस्टिकेटेड लग रहा है बहुत ज़्यादा विच इज़ वेरी वेरी नाइस ए ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो डेफिनेटली इट कम्स विद सिंगल चैनल ए फ्रंट आगे ही आपको देखने को मिलता है फिर अपसाइड डाउन फोक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और कंसील्ड इतना प्यारे तरीके से किया हुआ ना कि ये अलग ही लुक दे रहा है ये इस साइड से स्पेशली अगर आप देखते हैं डुअल पिस्टन कैलिपर ई साइड यानी कि फोर पिस्टन कैलिपर्स डुअल डिस्क ब्रेक्स फ्रंट पे हमें मिल रही हैं वाटर कूल इंजन के साथ आता है ये रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर और उस साइड में देखता हूँ कि कंसील किया हुआ है उन्होंने कि नहीं जी हाँ इस साइड भी ये प्रॉपरली कंसील्ड है अब इसको देखें और इसको देखें फ़र्क साफ ज़ाहिर है तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त एक लुक दे रहा है यहाँ से आपने पहले कभी भी किसी मोटरसाइकिल पे इस तरह का कंसील हुआ हुआ सिस्टम नहीं देखा होगा मिरर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये एडजस्टेबल हैं बिल्कुल गाड़ी के जिस तरह होते हैं मिरर्स उस तरह आपको मिल जाते हैं और इनके ऊपर ही टर्न इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट लाइट बहुत खूबसूरत है जस्ट हैवे लुक क्या बात है यार और फिर साइड पे फेरिंग्स के ऊपर भी आपको ये मिल रहे हैं एरोडाइनमिक्स के लिए और इसकी लुक में भी इजाफा कर रहे हैं विंगलेट्स से बना के और विंगलेट्स के अंडर यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपको जो कि नॉट सो फ्लेक्सिबल हैं बट स्टिल आर फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स जो कि एलईडी में आते हैं यह मिल जाता है फुली ब्लैक आउट आपको विंडस्क्रीन सामने दे दी गई है सो ऑल एंड ऑल इट इज़ अ ब्यूटिफुल मशीन और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि फ्रंट टायर को कंसील किया हुआ प्रॉपर ये कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इस बाइक में उम्मीद है जो नेक्स्ट कंसाइनमेंट होगी वो ई में आएगी और उसमें भी मज़ी कुछ इंप्रूमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी इन शाह तबारक सो गाइस यह था आज का रिव्यू हमने इस बाइक का नाम नहीं बताया आपको इस बाइक का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो Y3 थ्री इज द नेम ऑफ दिस मॉडल 400 हंड्रेड सीसी डूल सिलेंडर थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो उम्मीद है Y3 आपको पसंद आया होगा अगर तो पसंद आया गिव दिस वीडियो थम्स अप और अगर आप ये खरीदते हैं तो इसके साथ आपको सेवेंटी सीसी मोटरसाइकिल भी मिलेगा ब्रांड न्यू फ्री ऑफ कॉस्ट 2024 मॉडल ना सिर्फ इसके साथ बल्कि जितने भी 400 हंड्रेड सी सी ड्यूल सिलेंडर खरीदे जाएंगे फोर्स मोटर स्पोर्ट्स से सब के साथ ये ऑफर मौजूद है थैंक यू सो वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़, असल